हेलो, आज हम बनाएंगे भेल। ये एक इंडियन चाट है, उसको गुजराती में भेल बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी डिश है, और इसके लिए आपको सब बताते हैं कैसा चाहिए। उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट है सब चटनियाँ। तो उसके लिए हम पहले बनाएंगे खड़ी अंडे की चटनी। तो उसके लिए हमने लिया है एक बंच करी अंडा, उसको छोटा छोटा या बड़ा बड़ा थोड़ा सा काट लेना है। एक बंच करी अंडा चाहिए, थोड़े से पीनट्स करीबन 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून तिल और 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर या ग्रेट हुआ किया हुआ कोकोनट। फ्रेश है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। 2-3 चिली ग्रीन बड़ी बड़ी और थोड़ा सा जिंजर। तो पहले हम ये करियंडा की चटनी बनाएंगे। दूसरी है गुड़ और इमली की चटनी। उसके लिए हमने लिया है ये खजूर, ऐसा खजूर आता है उसको टेसिंग बोलते हैं। ये हमको चाहिए, उसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है, और अंदर से जो बीज आता है वो आप निकाल लो और इस तरह से एक बाउल में रख दो। एक बाउल में थोड़ा सा गुड़ भी खजूर में डालना है, तो आप ये खजूर में थोड़ा सा गुड़ डाल दो और थोड़ा सा वार्म वाटर करके आधा कप जितना हमने अंदर डाला है, और खजूर और गुड़ को भिगो के रखना है हाफ एन आवर तक। उसमें इमली भी जाएगी, तो आपके पास फ्रेश इमली है तो भी चलता है, नहीं है तो ऐसी पेस्ट भी आती है इमली की, वो भी आप डाल सकते हो। और तीसरी चटनी है हमारी लहसुन की। उसके लिए हमको चाहिए डॉट्स ऑफ लहसुन, वो हम बनाएंगे। उसमें रेड चिली भी जाएगी, लहसुन, रेड चिली, नमक, ये सब मिक्स करके ये चटनी बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं करी अंडा की चटनी। उसके लिए हमको चाहिए 1 बंच करी अंडा, जो हमने छोटा 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 कट करना है। ये हमने बाउल में वो जो पीनट्स, तिल और कोकोनट पाउडर लिया था वो एक बाउल में हमने डाल दिया है, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, और ये सब मिक्स करके पहले क्रश कर ले इसको। ये क्रश करके हम ये बड़े से बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें फिर हम ये करी अंडा जो हमने कट करके रखा है वो हम डालेंगे अंदर। ये हमने करी अंडा डाल दिया है, फिर उसको हम उसमें थोड़ा सा पानी हम लेंगे, क्योंकि ये पेस्ट जैसा बनाना है, तो थोड़ा सा पानी और हमने डाला है। और ये जो जिंजर गार्लिक हमने लिया, अरे सॉरी, गार्लिक और नहीं लेना है आपको, गार्लिक नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, डालना है तो अगर आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये जिंजर और चिली भी उसमें डाल दिए हैं। फिर इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। ये अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी और जाएगा अंदर, थोड़ा सा पानी और डाल के आप अंदर अच्छी तरह से उसको क्रश कर ले, तो ये आपकी चटनी हो जाएगी। क्योंकि पानी है तो ही अंदर पीसेगा, और थोड़ा हमको अच्छी तरह इसको ड्राई नहीं करना, ये इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से पीस लें।
और ये जो हमने लहसुन की चटनी बनाई है वो बनाने वाले हैं, उसके लिए हमने रेडी किया है। जो लहसुन हमने लिया था छोटे छोटा काट दिया है, उसके अंदर 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए 1 स्पून जितना, और इसको क्रश कर देंगे अच्छी तरह से। हाफ अ कप्स आप पानी डालिए अंदर, और पानी डाल के ये सब मिक्स करके आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लें। इस तरह से अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें, और फिर ये जो है वो इमली की चटनी है जो हमने भिगो के रखा था, तो उसके लिए हमने आधा घंटा से उसको खजूर और गुड़ को भिगो के रखा था एक बाउल में। अभी उसके बाद इसको भी हम अच्छी तरह के से इसको भी मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि खजूर को भिगो के रखने से आधे घंटे से क्योंकि वो सोग हो जाएगा तो अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स, ये अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर दिया है, तो ये भी चटनी हमारी मिक्स हो गई है। तो फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए आपके स्वाद अनुसार, और चाहे तो आप थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी हाफ स्पून जितनी अंदर डाल सकते हैं, तो इस तरीके से आपका फ्लेवर भी आ जाएगा। और ग्राइंड करके इसको रख ले और बाउल में निकाल दें। ये हमारी तीनों चटनियाँ रेडी हैं, जो ये हमने इमली की कुछ इतनी पतली रखनी है उसमें हमने ग्राइंड करके फिर थोड़ा सा लेमन भी डाला है। इमली तो आपने ऑलरेडी अंदर डाली है, तो आप चाहे तो थोड़ा खट्टा बनाने के लिए थोड़ा सा 3 स्पून लेमन जूस भी डाल सकते हैं अंदर आखिर में होने के बाद, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं आप अंदर। और ये लहसुन की चटनी है जो हमने लहसुन को ग्राइंड करके हमने एंड में उसमें हमने थोड़ा सा गुड़ डाला है, और करीबन 2 टेबलस्पून जितना गुड़ और 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है और मिक्स कर लिया है। और ये हमारी करी अंडा की चटनी ग्रीन। तो ये हमारी तीनों चटनियाँ अब रेडी हैं बेल के लिए, और अब हम आगे बेल बनाएंगे। तो उसके लिए हमको ये हमने बेल के लिए सेव ममरा लिया है, और उसके अंदर जो पीला क्रिप्स है तो हम उसको अंदर इस तरीके से पूरा कर लेंगे। इस तरीके से अंदर हम उसको कर लेंगे। अगर आपके पास क्रिप्स नहीं है तो आप इसके अंदर छोटी छोटी पूरी भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये क्रिप्स है टोटीला क्रिप्स तो हमने इस्तेमाल किया है। और ये सेव और ममरे को आप घर पे वगार भी सकते हैं प्लेन हो तो, तड़का लगा के राई जीरा का हल्दी चिली पाउडर डाल के, और ये रेडीमेड भी मिलता है। तो आप ये ऐसा अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ये मिक्स होने के बाद
हम एक प्लेट में थोड़ा सा ये हमने जो मिक्स किया है सेव ममरा ये हम डालेंगे। फिर ये सब हमने रेडी रखा है बेल के लिए। छोटी छोटी दो ऑनियन हमने कट करके रखी है, छोटा दो टमाटर कट करके रखा है, एक बीट लिया है हमने जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, और ये पोमेग्रेनेट है, और ये चटनियाँ है करी अंडा, और ये आलू है जो हमने छोटे छोटे पीस करके आलू बॉईल कर लिए हैं, और उसमें हमने ये काले चने भी बॉईल करके डाले हैं, दोनों मिक्स कर लिए हैं। तो उसमें हम डालेंगे ये थोड़े से बॉईल किए हुए पोटैटो और चने, फिर उसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑनियन, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए, जो भी ज़्यादा कम। ये थोड़ा सा टमाटर डाला है, ये ग्रेट किया हुआ बीट, अगर आपके पास बीट है तो आप डालो, नहीं है तो भी चलता है बीट, और ये थोड़े से पोमेग्रेनेट, ये भी है तो नहीं है तो भी चलेगा। ऊपर से फिर हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे, ये गार्लिक की चटनी है, गार्लिक की चटनी आप इस आपके हिसाब से कम ज़्यादा तीखा, ये मीठी चटनी है खजूर इमली की, तो आप उसमें ये खजूर इमली की चटनी भी डाल दें, और ऊपर से ये थोड़ा सा करी अंडा गार्निशिंग के लिए आप डाल दें। और इसको फिर अच्छी तरह से, ये सब आपको ज़्यादा चाहिए चटनी या तो ज़्यादा डालें, कम चाहिए तो कम डालें। ये हमारी आज की रेसिपी बेल रेडी है, खाइए एंजॉय कीजिए, थैंक यू।